तो गाइस स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम यार फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज। तो यार पिछला एपिसोड तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक गया था, जैसे कि आपको पता ही होगा यार हल्क हमसे लड़ने आ गया था और एक बार को तो उसने हमको हरा भी दिया था, लेकिन हमने जुगाड़ करके उसको मार दिया और वहाँ पर उसको हमने दबा भी दिया। तो अब कोई चिंता की बात नहीं, हल्क वापस नहीं। और यार मेरे को ये भी पता चल चुका है कि हल्क को किसने भेजा था, वो मैं आपको बताऊंगा। वैसे भी यार कई लोगों को तो पता चल ही गया होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक हॉर्स है जिसको पिछली वीडियो में भी मैंने दिखाया था, तो मैं जो है उसको लीज कर लूँ यार, बाद में हम उसको टेम कर लेंगे। अभी के लिए हमारे पास जो है शेडल नहीं है, तो अभी मैं उसको लीज से बांध देता हूँ ताकि वो डिस्पॉन ना हो जाए। तो मैं ढूंढ रहा हूँ यार सभी चेस्ट में, लीज मेरे को नहीं मिली। और यार हल्क की फाइट के बाद हमने बहुत सारा सामान खोया सही में, तो यार सामान को ढूंढने में भी काफ़ी टाइम लग रहा है, अभी तक मेरे को लीश नहीं मिली है। और यार हमने जो है बहुत कीमती सामान खो दिए हैं, जैसे कि ओमनीट्रिक्स और हमारा पोर्शन ऑफ फायर असिस्टेंट। तो ओके एनीवेज हम जो है ओमनीट्रिक्स को बाद में बना लेंगे, अभी के लिए हमको लीश मिल चुकी है। तो हम चलते हैं जल्दी से ऊपर, अपने हॉर्स को हम बांध लेते हैं इससे पहले कि वो डिस्पॉन हो जाए। तो कहाँ है भाई यार वो रहा, तो मैं इसको यार बांध देता हूँ जल्दी से, हम जो है बाद में इसको टेम कर लेंगे। हम जो है इसमें अपना डायमंड वाला हॉर्स आर्मर लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा देखने में। तो मैं जो है इसको अपने विलेज वाले साइड बांध देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं नहीं बांधूंगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा शीप है तो काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है। तो मैं जो है विलेज में बांधता हूँ लामा सर्विस के बगल में, तो यहाँ पर ठीक है। कैट ध्यान रखियो मेरे हॉर्स का। चलो अब हो गया हमारे हॉर्स का भी काम सही, और यार गवन की आवाज़ और ग्रैंडपा मैक्स की यहाँ तक आ रही है। एनीवेज तो मैं जो इसको एक फीड भी दे देता हूँ। ओ भाई यार एक बार में ही बड़ा हो गया सही में, तो अभी पूरा बड़ा तो नहीं हुआ, तब तक हो जाएगा जब तक हमारे पास शेडल आएगी, पता नहीं कब आएगी या नहीं आएगी। और गैस मेरे को बताओ क्या फिशिंग से हमको शेडल मिलती है, बताओ यार, अगर मिलेगी तो हम भी फिशिंग कर लेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हल्क को किसने भेजा था यार, वो है आयरन मैन। तो पता नहीं उसने क्यों भेजा, लेकिन हल्क बहुत खतरनाक था, उसने हमको मार दिया, हमने अपनी ओमनीट्रिक्स को गवा दिया। तो हम जो है आज आयरन मैन से बदला लेने वाले हैं। यार देखो आयरन मैन ने पता नहीं क्यों भेजा, मेरी उसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैंने उसका कोई भी सामान नहीं चुराया यार। लेकिन वहां तक जाने से पहले यहां पर एक और वेंडिंग ट्रेनर आ गया है, तो मैं इसकी लामास को ले लेता हूं। दिवाली को मैंने छोड़ दिया था, लेकिन आज तो नहीं ही छोड़ूंगा। ओके तो मैं अब सभी लामास को ले आया हूं, अब मैं इनको लामा सर्विस में रख देता हूं। दो और आ चुके हैं हमारे पास, तो हमारा ये भी जल्दी से काम शुरू हो जाएगा। मैं जल्दी ही कैश काउंटर में एक विलेजर को भी लगा दूंगा, तब ये चल पड़ेगा मस्त। और इसमें अब काफ़ी सारी लामास हो चुकी हैं। वैसे तो यार आज हमने जाना था नैदर फोर्ट्रेस ढूंढने, लेकिन आयरन मैन से बदला लेना भी ज़रूरी है, नहीं तो वो सोचेगा हम डर गए। तो आज का हमारा पहला टास्क है यार, हमने जो है ओमनीट्रिक्स को क्रिएट करना है फटाक से। यार पिछली वाली ओमनीट्रिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन उसने लास्ट मौके पर धोखा दे दिया यार, हल्क की फाइट में वो चल ही नहीं रही थी, नहीं तो हम पहले ही उससे जीत जाते। मैं फोर आर्म्स बन के हल्क को कब का मार देता और सारा सामान हमारे पास होता। बट एनीवेज तो सबसे पहले मैं जो है रिसोर्स ले लेता हूँ। ये तो यार अच्छा हुआ कि हल्क के आने से पहले हमने माइनिंग से काफ़ी सारा रिसोर्स ले लिया था, तो ओमनीट्रिक्स बनाने का सामान अभी है मेरे पास, अगर ना होता तो यार दिमाग ख़राब हो जाता, माइनिंग करनी पड़ती बहुत ज़्यादा। आयरन इंगट है मेरे पास अच्छी खासी, और रेडस्टोन मेरे पास भी एक स्टैक से ज़्यादा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो एमरल भी हमारे पास ऑलमोस्ट 5 है यस। और यार ये देखो हमारा डायमंड का हॉर्स आर्मर, जो कि बहुत मस्त लगता है देखने में, पहनाने में भी उतना ही मस्त लगेगा। तो अब मैं कर लेता हूँ ओमनीट्रिक्स को क्रिएट फटाक से। ओके तो ओमनीट्रिक्स आ चुकी है हमारे पास, लेकिन यार एक बार मैं यहीं पर देख लेता हूँ ये चल रही है कि नहीं, नहीं तो वहाँ पर जाके पता चले कि ग्लिच हो गई है। बट कोई बात नहीं, अभी तो चल रही है, तो चलो अब हम चलते हैं जल्दी से मारने आयरन मैन को। लेकिन उससे पहले यार सारा सामान मैं रख लूँ और फूड ले लूँ, अभी के लिए मैं सभी चेस्ट में ऐसा ही रख रहा हूँ। और यार फूड, वाह मेरे पास फूड ही नहीं है भाई साहब। हल्क के फाइट के बाद यार सारा सामान इधर का उधर बिखर गया, कुछ नहीं पता क्या कहाँ पर है। तो अभी तो मैं ढूंढ रहा हूँ कुक फूड कहीं मिल जाए। तो ओके यहाँ पर है ब्रेड, तो 8 ब्रेड काफ़ी है। अब हम चलते हैं आयरन मैन से लड़ने, उससे पहले यार रात हो रही है, हम चलते हैं अपने घर में, नहीं तो यार क्रीपर आ जाएगा, वो हमसे लड़ने लगता है। तो हम आते हैं सुबह। और यार अगले एपिसोड में मैंने जो है एक और अपडेट करना है अपने प्लम्बर बेस में। तो हो चुके हैं सुबह, अब हम चलते हैं यार जल्दी से, बनते हैं एक्सएलआर रेट और ढूंढते हैं आयरन मैन को कहाँ गया वो। अपने घर में ही होगा, मतलब उसी के घर में जाऊँगा मैं। तो बिना टाइम गवाए हम जो है एक्सएलआर रेट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, और अब हम चलते हैं आयरन मैन के घर में फटाक से। यार मैं आयरन मैन के घर में नहीं गया, क्योंकि रास्ते में मेरे को जो है ये देखो एक वाइट हॉर्स मिल गया, और यार ये बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, तो मैं जो है इसको ले आया बहुत जुगाड़ से। मैं यार ऐसे जा रहा था तो ये यहीं पर घूम रहा था, तो मैंने कहा इसको ले जाता हूँ, वैसे भी ये डिस्पॉन ही हो जाएगा यहाँ पर रखे रखे, क्या ही करें इसका। ये पिछले वाले से भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, अब मैं डायमंड का आर्मर इसी पे पहनाऊंगा। तो चलो अब हम चलते हैं फाइनली, अब मैं रास्ते में नहीं रुकूंगा पक्का गाइस, अब हम डायरेक्ट आयरन मैन के घर पर ही मिलेंगे। तो अब हम आ चुके हैं आयरन मैन के घर के पास, और मेरी बैटरी भी ओमनीट्रिक्स की ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, बट आई थिंक हम पहुंच जाएंगे, अब उसका घर काफ़ी ज़्यादा पास में है। तो यार मैं उम्मीद करूंगा कि आयरन मैन अपने घर पर ही हो, अगर हुआ तो हम उसको घर पर ही मार देंगे डायरेक्ट ही, अगर ना हुआ
तो मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, हम जो है कैनन बोल्ट बनकर उसका पूरा घर तोड़ देंगे। और कैनन बोल्ट की पावर्स तो यार आपको पता ही है, तो अपना घर टूटा देख कर वैसे भी वो सही सलामत तो नहीं रहेगा। क्यों आयरन मैन क्यों भेजा हल्क को यार, क्या दुश्मनी थी तेरी मेरी यार? मैंने तो बस सूट ही लिया था उधारी, बाद में मैं दे देता जब मेरा मन करता तभी। तो आ चुके हम इसके घर में, अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे यार। पिछली बार में आया था बस मैं सूट लेकर गया था यार, मैंने कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन इस बार पूरा घर मैं तोड़ दूंगा अगर मेरे को आयरन मैन नहीं मिला तो। वैसे भी वो घर में होता तो है नहीं, तो चलो अब हम चलते हैं जल्दी से ढूंढते हैं उसको। तो गाइस आयरन मैन अभी तक घर पर नहीं मिले हैं, अब बचा उनका बेसमेंट, तो यहाँ पर भी देख लेता हूँ। अगर नहीं मिले तो डायरेक्ट कैनन बोल्ट बनकर हम अटैक कर देंगे। तो चलते हैं अब हम जल्दी से बेसमेंट में, और हमको यहीं से मिला था पिछली बार सूट भी। नहीं है भाई, पूरे बेसमेंट में कोई भी नहीं है। अब मैं पूरा घर तोड़ रहा हूँ कैनन बोल्ट बनकर, कोई नहीं बचेगा पूरे घर में। तो चलो अब हम जल्दी से कैनन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म होते हैं। अब हम तो हम आयरन मैन के घर को तोड़ना यहाँ से शुरू करेंगे, पूरा घर हम तोड़ देंगे कैनन बोल्ट ओपी बनकर। तो हम बन चुके कैनन बोल्ट, अब बस आप मजा लो यार कैनन बोल्ट ओपी की माइनिंग का, और देखो ये क्या ही मतलब तबाही मचा देता है कतई। देखना पूरा आयरन मैन का घर हम तोड़ देंगे। जब आयरन मैन आएगा वो यार शौक में चला जाएगा कि क्या हो गया मेरे घर को। अब इससे आगे वो ईश्वर मैं क्या ही करूँ, आप बस आप मजे लो। काफ़ी मज़ा आ रहा है यार तोड़ने में, और हम तोड़ते तोड़ते कहाँ आ चुके हैं नीचे, आई थिंक तो ये बेसमेंट में भी निकल जाएगा रास्ता तोड़ते हैं। और यस बेसमेंट को भी हम तोड़ देंगे, जहाँ पे आयरन मैन नहाता है, जहाँ पे वो अपना सूट वगैरह बनाता है, सब कुछ हम तोड़ देंगे आज, कुछ भी नहीं बचेगा इसका घर पूरा। यार अगर घर देखा जाए तो सही में बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो तोड़ने में भी उतना ही मज़ा आएगा। काश इसमें अल्टीमेट कैनन बोल्ट होता तो और भी मज़ा आता। एनीवेज ये भी चलेगा, अब हम तोड़ना और तेज़ कर देते हैं फटाक से, मैं सब कुछ तोड़ दूंगा यार। और वहाँ पर सूट भी दिख रहा है मेरे को आयरन मैन का, क्या आयरन मैन है इसमें यार, मैं नीचे आ चुका हूँ। तो चलते हैं हम ऊपर, थोड़ा कैसे जाऊँ, इधर को पानी है, हम जो है पानी की मदद से ऊपर जा सकते हैं, तो अब मैं चलता हूँ ऊपर। तो हम बहुत ज़्यादा जुगाड़ कर छत पर आ चुके हैं, अब चलो अब हम आयरन मैन की छत को तोड़ना स्टार्ट करें, जो उसने इतना अच्छा डिजाइन बनवाया है उसको हम पूरा तोड़ देंगे। और हम नीचे गिर चुके हैं, कोई बात नहीं, हम पूरा तोड़ देंगे नीचे से भी, घर का अंदर बाहर सब कुछ टूटेगा। मैं बाहर का सब कुछ तोड़ दूंगा, पार्क भी तोड़ दूंगा, यहाँ पे पेड़ आ गया वो भी टूट गया, और ये सब मैं दीवारें भी तोड़ दूंगा उसके घर तक जाने की। उसके बाद गाइस मैं जो है फोरआर्म्स बना, काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि फोरआर्म्स बनो, और यार इसकी भी माइनिंग काफ़ी ओपी है, मस्त है इसकी भी माइनिंग, काफ़ी तेज़ी से ये भी तोड़ता है ब्लॉक। लेकिन कैनन बोल्ट की यार बात ही अलग है, वो एक ही बार में पूरा तोड़ देता है। लेकिन हाँ अगर हम एक टिपिकल माइनिंग करना चाहें तो फोरआर्म्स उसके लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ से मैंने बहुत ज़्यादा तोड़ा पूरा, मैंने उसका बालकनी टाइप पूरी यार तोड़ दी। अब बस वेट है आयरन मैन कब आए, जब तक वो आता है तब तक मैं तोड़ता रहूँगा, पूरा घर ही मैं तोड़ दूंगा, इसका मेंशन अब मेंशन नहीं रहेगा। गाइस उसके बाद भी मेरा मन नहीं भरा तो मैं हीट ब्लास्ट बन के पूरे घर को जला दिया। अब यार मेरे मन में बहुत अच्छी टेक्निक आ रही है, हम ऊपर से जंप मार के पूरी छत तोड़ देंगे आयरन मैन की। तो हम मारते हैं जंप, लेकिन यार ये हवा में रोल नहीं हो पाया, कोई बात नहीं हम यहीं से तोड़ना स्टार्ट करते हैं, एटलीस्ट हम इसका डिज़ाइन तो तोड़ पाएंगे जो इतना अच्छा बनाया है उसने। और गाइस यार मैं इतना तोड़ रहा हूँ कि बीच में तीन बार रात हो चुकी है, तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं रात में कैसे सर्वाइव करता हूँ बिना बेड वगैरह के, तो ये देखो यार तोड़ते समय काफ़ी सारे ब्लॉक मिल जाते हैं, तो मैं ऐसे टावर बना देता हूँ और वेट करता हूँ अंटिल ओमनीट्रिक्स की बैटरी चार्ज ना हो, और चार्ज होते फिर से तोड़ना स्टार्ट कर देता हूँ। और अब मैंने काफ़ी सारा तोड़ लिया, तो चलो अब मैं आपको ऊपर से लुक दिखाता हूँ स्टिंकफ्लाई बनके। और ये स्टिंकफ्लाई की हमारी पहली एंट्री है गेम में, इसके रिलेटेड काफ़ी सारी कमेंट आए थे। तो देखो यार मैं स्टिंकफ्लाई इसलिए नहीं बन रहा था क्योंकि यार ये उड़ नहीं सकता, ये केवल ऊंची जंप मारता है और ये ग्लाइडिंग कर रहा है। तो अगले अपडेट में जो है डेवलपर इसको फिक्स कर देगा, तो मैं सोचा था कि अगले अपडेट में ही बनूं, बट एनीवेज अब मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये देखो यार टोनी स्टार का मेंशन, जो कि अब मेंशन नहीं रहा, ये एक अबैंडन मेंशन बन चुका है। तो अब टोनी स्टार का देखो भैया क्या होता है, आई थिंक सो टोनी स्टार अब हमसे डर जाएगा, और अब हमसे वो बदला लेने की सपने में भी नहीं सोचेगा। हमने जो उसके घर का हल कर दिया है, अब वो हमसे दूर ही रहेगा, और हमने उसको डरा भी दिया अब अच्छे से। तो बस गाइस यार आज की वीडियो में इतना ही, आज हमने काफ़ी ज़्यादा मज़ा किया, पिछले एपिसोड में जो हल्क आया था हमने उसका पूरा बदला ले लिया, हमने पूरी कसर उतार दी यार, आयरन मैन का हमने पूरा घर तोड़ दिया जो उसने इतने अच्छे से बनाया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी वीडियो उतनी ही पसंद आई हो, तो अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आप मिस ना कर दो। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और यार स्टिंकफ्लाई पानी से बहुत नफरत करता है, जैसे कि मैं फंस चुका हूँ, अब इससे कैसे निकलूँ यार बताओ कमेंट में जल्दी।